नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। पूर्वाभास के बारे में अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा। कुछ अनहोनी घटने से पहले होने वाले एहसास को पूर्वाभास कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके घर में रखा सामान भी आने वाली मुसीबत के लिए आपको आगाह करता है, ठीक पूर्वाभास की तरह। अगर अकस्मात घर की चलती हुई घड़ियां बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। घर की छत पर चिड़िया कबूतर आदि पक्षी मरे हुए मिले तो समझ लीजिए कि आपके बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। घर की दीवारों पर अगर सीलन आने लगे तो समझ लीजिए कि आपके मन की शांति छिनने वाली है। घर में पड़े हुए नमकीन पदार्थों में अगर चींटियां पड़ जाएं तो समझ लीजिए कि आपके स्वास्थ्य या नौकरी में दिक्कत आने वाली है। सड़क का कुत्ता घर की तरफ मुंह करके रोने लगे तो समझ लीजिए कि दुर्घटना होने के संकेत हैं। तेल के जार में से तेल गर फर्श पर पानी की तरह बह जाए तो समझ लीजिए कि लाभ के रास्ते रुक जाएंगे। घर में से सोने के आभूषण गायब या चोरी हो जाएं तो बड़ी धन हानि की ओर इशारा है। घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा जल जाए अथवा अकारण सूख जाए तो ये संकेत है कि कुछ अशुभ होगा। दूध बार बार उफान करके बहे तो समझ लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाला है। घर में शादीशुदा बहन, बेटी, पुआ, साली, मौसी अगर बिन बुलाए ठहरने के लिए आ जाएं, तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य दस्तक दे रहा है। सरकारी कागजात जैसे कि बिल, रजिस्ट्री में दीमक लग जाए अथवा गुम हो तो सरकार द्वारा दंडित होने के संकेत हैं। बार बार कपड़ों का जलना अथवा फट जाना आपकी सामाजिक बदनामी और फजीहत की ओर संकेत देता है। कांच अथवा चीनी मिट्टी के बर्तनों में दरार आना हॉस्पिटल के बिल बढ़ने के संकेत देता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।